बच्चों लाइव आ जाओ जल्दी से जल्दी। कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं आज, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते घर बैठे बैठे कि कितने बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। आप इसका इस चीज का अनुमान भी नहीं लगा सकते, आप घर पे बैठे बैठे इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते दोस्तों। बच्चे, बच्चियां, बहनें, भाई, सब युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे युवा। हाँ भाई, इन्फॉर्मेशन आ रही है पटना के अंदर आज एक पेपर लीक हुआ है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी आई है उसकी। आपको एक लुक देते हैं, एक पूरा लुक देते हैं एक आंदोलन का, कितना बड़ा आंदोलन हो चुका है अभी, कितना बड़ा आंदोलन ये फैल चुका है इसका। एक छोटा सा आप इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां तक आप देखोगे, जहां तक वहां तक लोग ही लोग दिखेंगे आपको, जहां तक देखोगे। ऑफिशियल और गोदी मीडिया बोलता है कि आंदोलन खत्म हो गया, ये देखिए सरकारी नौकरियां उचित रेट पे उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। #SSCScam धूप में बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहीं से कुछ भी मिला उस पे बैनर बनाया बच्चों ने और बैनर बना के यहाँ पे ले आए। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि आंदोलन कितना बड़ा हो चुका है पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर। दिल्ली सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर आप भीड़ देखिए, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा यह आंदोलन हो चुका है अभी। भाइयों शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो ये वीडियो, सब तक वायरल कर दो इसको। भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को शेयर बटन पे दबा के एक बार वायरल कर दो सब लोग। गूगल प्लस के ऊपर शेयर कीजिए, गूगल प्लस के ऊपर। ये देखिए, ये आज इन बंदों ने हमारे सामूहिक बालों का त्याग किया था बच्चों ने, श्राद्ध मनाया गया। सर आपने ये सब क्यों किया, ये आज जो हो रहा है आपका? SSC मर गई इसलिए हम लोग को SSC का मतलब क्या बोलते हैं श्राद्ध करना पड़ा, क्योंकि SSC अभी तक सुनी नहीं रही है, हम लोगों की मांग मान ही नहीं रही। जो मांग है हमारा है वह मांग अभी तक पूरा नहीं किया गया, इसलिए आज SSC का श्राद्ध किया है हम लोग ने।
ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी अपने मुहिम को और आगे ले जाने के लिए, अपनी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए, ताकि हमारी आवाज़ इस सिस्टम तक पहुंच सके जो बहरी और गुंगी पड़ी अभी तक, जो 9 दिन हो चुके हैं, ना हमारे पास पीने का पानी आने दिया जा रहा है, ना मोबाइल टॉयलेट्स पहुंचे हैं, आते तो हटा दिए जाते हैं, दरिया हटा दी गई, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया, उसका टेंट आए थे, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है दिल्ली के अंदर, वो टेंट हटा दिए, ठीक है। इसके बाद से सिस्टम इतनी कोशिश कर रही है कि बच्चे उठ के चले जाए, लेकिन जब ये हमारे हक की लड़ाई है, जब तक हमारा हक की लड़ाई मतलब पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं है। जय हिंद। तो देख सकते हो आप नौजवानों में कैसा गुस्सा भरा हुआ है। यहाँ पे नौजवान मांग ही क्या रहे हैं सरकार से, सीधी सी दो मांगे हैं, वो दो मांगे सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। ये है आपकी सरकार, ये है लोकतंत्र, इस लोकतंत्र की ये है सबसे महान सरकार, जिसको इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी ये सरकार एक छोटा सा कदम नहीं उठा पा रही है। यही था इस नौजवान के देश। ये देख सकते हो कैसे बैनर बना बना के लाए ये दोस्त। जैसा कि आपको बताया कि आज पटना में CHSL का पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, और रोजाना कुछ ना कुछ खबरें आ रही है, CHSL के हर पेपर को लीक होने की खबरें आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी भी SSC सुधरी नहीं है, तो इस सिस्टम को पूरा क्लीन करना ही पड़ेगा। चलिए आप दूसरे बंदों की सुनना चाहते हो तो मैं दूसरे बंदों से बात करते हैं। अपन क्या बोलते हैं सर, आपको आज 9 दिन हो गए यहाँ पे, क्यों बैठे हो यहाँ पे, आपकी क्या मांगे हैं भाई? भी तो मैं तो पहली बार आया हूँ आज, ये बैठा है सर। आपको 9वां दिन है आज, आपको कैसा लग रहा है, सरकार आपकी सुनेगी? हाँ सुननी तो चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। अभी अभी तक क्या रिजल्ट आए सरकार की तरफ से? अभी तक उन्होंने बस अभी तक तो बोल तो दिया कि मतलब CBI जांच करेगी CGL के पेपर का, बाकी जाते हैं MTS का भी हो, बाकी प्री का जो एग्जाम हो उसका भी हो। हाँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने बोल तो दिया कि CBI जांच होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि सारी एग्जाम्स की CBI जांच होगी, उन्होंने ओनली एक Tier 2 के लिए बोला कि Tier 2 की CBI जांच होगी। चलो अपन और बंदों से बात करते हैं, यहाँ पे क्या मानना है इन बंदों का, कहाँ इनमें प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इतनी संख्या में बढ़ते ही जा रहे हैं रोजाना बंदे यहाँ पे, हर रोज देखो तो 1000-2000 बंदे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, देखो हर रोज बढ़ रहे हैं। और दोस्तों मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस आंदोलन को सफल बनाना है तो और ज्यादा बंदे यहाँ पे पहुंचे। ये मेट्रो स्टेशन आपको दिख ही रहा होगा, Gate No. 4 जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन स्टैंड। बिस्कुट्स का वितरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को भूख लग चुकी है, तो बच्चों के लिए बिस्कुट्स का वितरण हो रहा है सब काउंटरी करके। इस पे कोई किसी का वो नहीं है कि कोई पार्टी की तरफ से आ रहा है ये सब। और ये जो ऑनलाइन कमेंट्स के अंदर धरना दे रहे हो भाइयों, रिक्वेस्ट है आपसे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आके धरना दीजिए, इस धूप में आपको फिर पता चलेगा कि कितना सिस्टम करप्ट हो चुका है, कितना, वरना तो बैठे रहो 10 साल तक बैठे रहना, कुछ नहीं होना, 15 साल तक बैठे रहना भाई। आपको 9 दिन हो गए यहाँ पे, क्या आपको लगता है सरकार आपकी बातें मानेगी? भाई बोल नहीं सकता, खाया नहीं खाया सुबह से, उम्मीद तो पूरी है ना। हाँ यार, इसलिए तो खड़े हुए यहाँ पे। अभी कुछ आंशिक मांगे मानी गई है शायद आपकी? यार पता नहीं, बस 17 से 21 लेके बस मनन पेपर तो सारी लीक हो रही है यार, वो तो सारी CHSL की भी अभी न्यूज आ रही है। हाँ भाई पता तो चला है, मेरी तो 15 तारीख को, लेकिन दोस्तों के थ्रू पता चला है कि पेपर लीक हुई है। आज पटना से भी खबर आ रही है, पटना के अंदर एक वीडियो भी लीक हुआ है, कि वीडियो में वो दिखा रहे हैं आंसर शीट पूरी आ चुकी है। हाँ भाई नागपुर में भी मैंने सुनने को मिला है, नागपुर में भी हुआ है, पटना में भी हुआ है, सारी सिस्टम तो वही है। यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है रोजाना इस आंदोलन में, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है? यही है, इसलिए तो खड़े हैं यार, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यही खड़े रहेंगे हम लोग। तो आपने अभी सुना बच्चों का दर्द यहाँ पे जो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, कैसे 9 दिन हो गए बिना खाना खाए हुए बच्चे। पटना में आज चीटिंग की खबर आ रही है CHSL पेपर के अंदर, वो कोई आंसर की पहले ही बार आ गई थी,
एग्जाम से। भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों आज, जहाँ तक देखोगे आप, जहाँ तक देखते हो। बाकी न्यू अपडेट के साथ अपन थोड़ी देर बाद में वापस लाइव आते हैं, तब तक के लिए बाय।